एवरीवन, हमने अपने लास्ट पार्ट में देखा था कि यार मैम की तो बैंड बज गई होती है, साथ ही साथ उसके पूरी फैमिली के साथ बहुत सारी चीज़ें हुई होती हैं, क्योंकि यार फैमिली आई होती है मतलब मैम को देखने के लिए। मैम ने तो बोल दिया होता कि मुझे नहीं चाहिए, तो यहाँ बेचारी मैम की मामा को बहुत सारी चीज़ें सुननी पड़ती, क्योंकि हमारी सिंगल मदर होती है, सिंगल मदर को बहुत सारी चीज़ें सुननी पड़ती है फैमिली की, एंड बहुत सारे रिलेटिव्स जीना नहीं देते ना, ऐसी होती। और हमारी मैम बेचारी परेशान हैरान कि अब क्या करें, मामा ने बहुत सारी चीज़ें बोल दी होती, वो बेचारी चल जाती अपने रूम में पैकिंग कर रही होती। गोल्डी बोलती है कहाँ जा रहे हो अब, मामा को ऐसी हालत में छोड़ के चल जाऊँगी तो मामा की हालत ख़राब है। यह बेचारी मैम बोलते यहाँ इतना सुनने के बाद कौन ही रहना चाहेगा, मुझे पता है मामा को मेरी ज़रूरत है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि अब मुझे यहाँ रहना चाहिए, मैं यहाँ रहूँगी तो मामा मुझे और ज़्यादा परेशान हो जाएंगे मुझसे, एक काम करो तुम मामा का ख्याल रखना, ओके मैं जा रही हूँ यहाँ से। ऐसे बोल के जा रही होती तो शो बोलती जान पागल हो गए हो क्या, ऐसे कुछ नहीं करना ठीक है, मामा के साथ रहो, अभी छोड़ के चल जाओगे हाँ, कल जाके फिर ज़्यादा कुछ हो जाएगा तो देखना, कल ही आप रिग्रेट करोगे, चुपचाप रहो, बैग को रख दो मेरे हाथ में। ऐसे बोल के बेचारी शुभ तो ले लेती बैग, लेकिन अब बेचारी गोल्डी चल जाती है मामा की तरफ, क्योंकि अब बेचारी शुभ ने इशारा कर दिया होता कि तुम जाओ मैं संभालती हूँ। अब बेचारी मैम करे तो क्या करे ना, इधर खाई उधर कुआ, बीच में है हम, इफ़ यू आर कमिंग इन दिस लाइन तो सिया पे होना तो भाई कंपलसरी है ना। अभी यहाँ बेचारी शुभ को पता था सब कुछ कि भाई मैम के दिमाग में क्या हलचल या फिर क्या खलबली मची हुई है। यार शुभ उनको हक करती बोलती जान सॉरी सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, मुझे लगा कि सब ठीक हो जाएगा, बट यहाँ तो बहुत सारी चीज़ें। यार शुभ मैम को शांत कराती है, बेचारी यहाँ मैम की हालत ख़राब हो रही होती है, क्योंकि यार जिस मामा से उसने इतना ज़्यादा प्यार किया होता है, कभी उनकी डांटने का ही होती है, ऑलवेज फॉर एवर ये दोनों बस बेस्ट फ्रेंड बन के रही हुई होती, लेकिन जब मम्मा इतना बोल देते ना तो भाई इट हर्ट्स अ लॉट है ना, बेचारी मैम कहाँ ही अपना दिल निकाल के रख दे, ऐसा हो जाता है। शुभ उनको संभालती है कि यार कोई बात नहीं मम्मा गुस्से में है, उनको इतनी सारी चीज़ें सफ़र करनी पड़ी इसकी वजह से निकाल दिया, गुस्सा अपने पे नहीं निकालेंगे तो किस पे निकालेंगे, ऐसा वैसा बहुत सारी चीज़ें बताती है शुभ। एंड बेचारी मैम भी थोड़ा सा कूल डाउन करती है, बेचारी कुछ समय के बाद में मम्मा के रूम के बाहर ही खड़ी होती है, देख रही होती है मम्मा सो के होती है, या गोल्डी वगैरह उनके रूम में होती है, सब लोग जो होते हैं ना क्या मतलब हॉल में होते कि भाई कैसे क्या हो गया। अब बेचारी मैम सबको चिल आउट करती है, बोले कोई बात नहीं मैंने मम्मा को मना लेना, अब तुम लोग सब घर जाओ, ऐसे बोल के शुभ के फ्रेंड्स होते वो भी चल जाते। अब शुभ की इच्छा हो देखिए मैम के साथ रहें, बता देते कि यार मम्मा को बता देना कि मैं मैम के घर में सब ठीक है, ऐसा वैसा बोल के सब चल जाते हैं। यह देखते कि हमारी जो मैम जो होते हैं ना वो सबको बोलते जाने के लिए यार, लेकिन हमारी स्नेहा की तो इच्छा नहीं होती कि यार इन लोग को छोड़ के चाहे, वो बोलती है एक काम करते ना मैं यहाँ रुक जाती हूँ, तो स्नेहा उनको बहुत ज़्यादा ज़िद कर रही होती, मना रही होती कि प्लीज़ ना मैं रुक जाती हूँ, या शो बोलती है यार तुम क्या ही करोगे ना, कोई बात नहीं तुम जाओ अपनी स्टडी पे फोकस करो, ऐसा बोल के हमारी अम्मू को पकड़ के हाथ उसको भेज देती है। यहाँ जाने की इच्छा नहीं होती लेकिन क्या करें भाई जाना पड़ता है उसको आखिरी में। यहाँ शो बोलती चलो एक काम करते सब खाना बनाते हैं मम्मा के लिए फेवरेट सा, यहाँ सब लोग जो होते हैं ना मतलब कि गोल्डी मम्मा के पास होती है नहीं है शुभ ऊपर से उसकी चांद खाना बना रही होती है, बेचारी मैम खाना तो बना रही होती मम्मा का फेवरेट, लेकिन बोलते ना कितना ही अब छुपा लोगे भाई अक्ष तो है ही गए ना, जस्ट लाइक कहाँ पे भी अपना मतलब कि होता है कि यार जितना भी स्ट्रांग बन लो कि यार आ ही जाते अक्ष आँखों में अक्सर ऐसे होता है। बेचारे शुभ देख लेते बोलते जान प्लीज़ ना ना रोना क्या है यार, रोना रोने से होगा क्या बताओ, मामा की तबीयत ठीक हो जाएगी नहीं ना, आपकी उल्टा तबीयत ख़राब हो जाएगी। यहाँ शुभ बोलती है चलो आ जाओ इधर आओ मेरी हेल्प कर दो, मुझे नहीं होता यार ये आटा वाटा कैसे गुंदा जाता है। यहाँ बेचारी शुभ ने इतना सारा पानी डाल दिया होता तो मैम उनको देख के इतना ज़्यादा गुस्सा करती हूँ, सच्ची एक काम ढंग का नहीं आता। शुभ बोलती अच्छा ठीक है बस सॉरी माफ़ कर दो, मुझे क्या पता था तुमने भी आटा दे दिया मुझे, तो मैम बोलती हाँ यार मैंने भी किसी इंसान को दे दिया आटा, ये इंसान कुछ नहीं कर सकता, पानी डाल दिया पूरा ऐसा की करता है, अब के 10 लोगों का खाना बनाऊँ मैं, ऐसे बोल के बेचारे शुभ बोलते अच्छा ठीक है ना मतलब कि ये ज़्यादा हो गया कि शुभ मैम को बोलती है बाहर एक इंसान सच्ची कुछ ना हो पाएगा तुम, हटो वहाँ से आए बड़े खाना बनाने जा रहे हो, एक काम नाम तो आता नहीं चले वहाँ पर मास्टर शेफ बनने। यहाँ शुभ बोलती ओ माय गॉड इतनी बेइज्जती, तो मैम बेचारी हंस देती बोलती अच्छा जी ये बेइज्जती लग रही है आपको, तो शुभ बोलती हाँ मैंने शायद गलत होना कि बेइज्जती नहीं तो और क्या है, तो शुभ मैम को ना उसके बोलती मैम बोलती वैसे मैं तारीफ कर रही थी आपकी, चलो हटो यहाँ से आई पटी खाना बनाने वाले उठो यहाँ से। अब बेचारी शुभ को भी अच्छा लगता है कि चलो भाई बेइज्जती तो हो रही थी लेकिन स्माइल तो आ रही थी अपनी जान के ऊपर। या इन लोग जो होते हैं ना हंसी मजाक से शुभ भी उनको ले लेती है, खाना वाना बनाते हैं, कुछ समय के बाद में देखती है कि मम्मा थोड़ा सा ना उठती है, गोल्डी को पूछती है
तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम जाओ अपने रूम में। तो गोल्डी बोलती, नहीं मम्मा मुझे आपके साथ रहना है। मम्मा भी बेचारी गोल्डी को चिल्ला देती है। अब बेचारी गोल्डी मुंह बना के बाहर आती है, तो इन लोग बोलते क्या हो गया, मम्मा उड़ गई? तो बोलते हाँ मम्मा उड़ गई और मुझे बहुत चिल्लाया। अब बेचारी मैम की भी हालत ख़राब है, यार कैसे जाए क्या ही बोले। शो बोलती कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मैंने जाना है, मैंने मना लेना है। यार सब लोग बोलते मत जाओ यार तुम्हें भी पड़ जाएंगे। तो बेचारी शो बोलते क्या करें यार, पड़े तो पड़े, अब क्या करें, मम्मा को ऐसे तो ना छोड़ सकते। शुभ उनके पास जाती, खाने का प्लेट लेके जाती है। बेचारी मम्मा शुभ को बोले तो बोले क्या, वो बोलते मेरा खाने का मन नहीं है तुम ये लेके जाओ। लेकिन शुभ ने कहा मानना था, वो बोलती नहीं चलो ठीक है ना, आपको नहीं मन कोई बात नहीं, बात नहीं करना, बस खाना खा लो और कुछ मत करो, देखो मैंने आपकी सारी फेवरेट डिश बनाई। तो बेचारी जब मम्मा देखते कि भाई प्लेट जब सरकता है ना, तो बोलते अच्छा जी आपने बनाया। तो हमारे शुभ बोलते नहीं वो मतलब कि वो उन्होंने बनाया। तो हमारी मैम बोलती है मतलब कि हमारी मम्मा बोलते कोई ज़रूरत नहीं मुझे खाना खाना ही नहीं उनके हाथ का, जाओ नहीं खिला दो। फिर वो बोलते अरे बाबा प्लीज़ ना, एक तो वही इंसान ऊपर से आप सब नहीं, दोनों के दोनों सेम ही है, प्लीज़ ना खा लो, वो भी नहीं खाएगी फिर मुझे भी भूखा रहना पड़ेगा, प्लीज़ ना ऐसा नहीं करते, एक काम करो खाना खा लो, हाँ लगे तो आप मुझे एक्स्ट्रा में डांट खिला देना ओके। तो बेचारी मम्मा बोलते चलो ठीक है फिर मुझे भी मेडिसिन खाना है ना, अगर मैंने भी जिद करी तो फिर तुम लोग भी नहीं खा पाओगे। मतलब उनका गोल घूम के वही रिएक्शन, मतलब रिएक्शन होता है कि बेटे लोग भी नहीं खाएगी इसकी वजह से खा लेती है। और शुभ उनको मेडिसिन खिला देती है, बोले चलो ठीक है मम्मा आप आराम करो। मम्मा बोलती नहीं मुझे नींद नहीं लग रही। शुभ बोलती मम्मा प्लीज़ ना देखो ना आके देखो कैसी हो गई आपकी रेड रेड, मैं नहीं चाहती कि कल जाके मेरी मम्मी को बोले कोई कि बुढ़ी हो गई हो। तो बेचारी मम्मी बोलती क्या बोला आपने? तो शुभ बोलते अरे नहीं नहीं मैंने क्या बोला था, वो बस मैंने बोला है कि लोग क्या बोलेंगे, देखो इतनी यंग लड़की की बेटी इतनी यंग लड़की की बेटी बुढ़ी हो गई है। तो बेचारी मम्मा बोलती तुम ना कुछ ज़्यादा बोल रहे हो। तो शुभ बोलते अच्छा चलो ठीक है ना फिर, चलो ठीक है ये क्या हाल बना रखा है, रुको मैं पोछ देती हूँ फेस वॉश कर देती, ऐसे बोल के आ जाती है, थोड़ा सा उनका फेस ना अच्छे से ये करती है, आंसू से पूरा पानी पानी हो गया होता है। बेचारी मम्मा बोलते तुम ना सच्ची तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। शुभ बोलती क्या अब होना बाकी रह गया मम्मा, ऐसे बोल के बेचारे शुभ मम्मा का ना अच्छे से बात बात करते उन्हें लिटा देती है। या दोनों के दोनों जो बच्चे होते हैं ना गोल्डियन मम्मा मतलब इनाया मम्मा सॉरी इनाया मैम बेचारी हैरान परेशान कि यार इनको क्या ही बोला होगा ना मम्मा ने, क्योंकि इन लोग को जब छोड़ा नहीं तो भाई तो शुभ को तो कैसे छोड़े। जैसे शुभ जाते ना खिलखिला के तो सब लोग हैरान परेशान कि यार ये क्या ही हो गया, ये कैसी पिक्चर देख ली हम लोगों ने, इतना मुस्कुराहट। तो हमारी मैम बोली देती क्या हो गया, क्या लड्डू पेड़े बांटे मम्मा ने आपको? या शुभ बोलती लड्डू पेड़े तो नहीं बांटे लेकिन हाँ स्माइल बहुत ज़्यादा बांटी है, कोई बात नहीं थोड़ा सा गुस्सा है लेकिन हाँ कल तक तो ठीक हो जाएंगे। तो हमारी मम्मा बोलती है मतलब कि हमारी मम्मा जो होते हैं ना वहाँ से खांसी होती है, तो इनाया जाती है तो बोलती है यार शुभ कोई बात नहीं। शुभ बोलती है कोई बात नहीं जस्ट लाइक नॉर्मल खांसी और कोई बात नहीं, रो रो के थोड़ा सा हो जाता है ना गला खस। या देखते कि सब लोग जो होते हैं ना मम्मा से बात बात करके, हमारी शुभ आई होती तो उनको सब बताती कि ऐसा ऐसा मम्मा ने बोला, मजाक मस्ती करी। इन दोनों को तो विश्वास नहीं हो रहा होता कि यार मम्मा ऐसा भी करी हम लोग को चिल्ला के आपसे बात करी। तो बोलते अच्छा जी आपको राज नहीं जा रहा क्या, मम्मा मुझसे अच्छे से बात करी, एक काम करती रुको उनको बोल दो मुझे डांट खिला दो, अच्छा अच्छा लगेगा दोनों को। अब यहाँ इनाया बोलते नहीं नहीं चल रहे दो, आज वैसे भी मम्मा ने बहुत डांट खिलाया, कल आप खा लेना ओके। या इनाया जो होते ना वो भी मजाक मस्ती करती, कुछ समय के बाद ये तीनों भी आते हैं एंड खा रहे होते हॉल में बैठ के। हमारी मैम बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि फाइनली मम्मा ने, हमारी मैम का मूड बहुत अच्छा हो गया होता फाइनली, क्योंकि ये होता ना शुभ ने वो काम कर दिया होता जिसकी हमारी मैम को उम्मीद नहीं होती है। या इन लोग खाना भी खा लेते तीनों, या बेचारी मैम चल जाती है अपने रूम में सोने के लिए, शुभ उनके पीछे पीछे आती है और बोलती मेरी जान, कमर में हाथ डालती है किसी से उसको अपने बहाव में, बोलती जान हो गया ना बस अब क्या है ये इतना क्यों मूड अपसेट कर लिया, अब कल मना लेंगे ना हो गया प्लीज़ शांत हो जाओ। अब बेचारी शुभ बोल तो देते लेकिन मुझे पता था अब मैम ऐसे कैसे ना रुकने वाली है, बोलते ऐसे कैसे रुक जाओ मम्मा ने इतना कुछ मेरी वजह से सहा है, उसको अच्छा नहीं लग रहा होता है, दिल तो कर रहा होता है कि सारे रिश्तेदारों के मुँह तोड़ दूँ। शुभ बोलती जान छोड़ो ना यार क्या कर सकते, किस का मुंह बंद कर सकते हो ना, लेट इट बी, बस फैमिली पे फोकस करो, मुझ पे फोकस करो, मम्मा पे फोकस करो बस ठीक है, आई समझ में? अब शुभ दी उसको बोलती चलो जान सो जाते हैं, मुझे बहुत 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 ज़्यादा नींद आ रही, ऐसे बोल के उसको गोद में लेते बोलती चलो जान सो जाते। इन लोग जो होते हैं ना एक दूसरे को हक करके सो जाते हैं, मैम को नींद नहीं लग रही होती। शुभ को पता था इसकी वजह से बेचारी शुभ जो होते हैं उनके सर दबा रही होती, कभी हाथ दबा रही होती है एंड उनकी सेवा कर रही होती है, इनकी रात ऐसी कट जाती है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में पता चलता है कि जो हमारी मैम के जो रिश्तेदार होते हैं ना जो कि उनके वो आए होते हैं मम्मा से ना बातें बातें कर रहे होते हैं, क्योंकि उनको पता चला होता है कि उनकी तबीयत ख़राब है इसकी वजह से वो आ जाते हैं। और जैसे हमारी मैम चल जाते हैं ना हॉल में तो वो उनका मुंह बन जाता है और वो
वहाँ से उठने वाले होते हैं, बेचारी हमारी जो मैम होते हैं वो चल जाती है किचन रूम में। अब यहाँ हमारी जो वो जो अंकल होता है ना, वो बहुत सारी चीज़ें बता रहे होते हैं कि आपने अपनी लड़की को कुछ ज़्यादा ही सर पे चढ़ा रखा है, यहाँ जॉब करती इसका मतलब यही नहीं कि घर वालों की कुछ इज्जत विज्जत ना रखे, ऐसा वैसा बहुत सारी चीज़ें बोलते थे। अब यहाँ बेचारी हमारी सिंगल मदर जो होते हैं ना, उसमें बहुत सारी चीज़ें सुननी पड़ती हैं। इवेंचुअली जो बड़े होते हैं उनसे थोड़ा सा मुँह कम ही खुल पाते हैं ना, इसकी वजह से छोटे। या जैसे वो अंकल जो होते हैं ना, वो बोलते हैं चल चल ठीक है, ये तो रिश्ता चलेगा, लेकिन हाँ इसके बाद में दूसरा रिश्ता लाने वाले हो, इसमें तो उसको हाँ बोलनी पड़ेगी। अरे यहाँ बेचारी हमारी जो मम्मा जो होते हैं वो कुछ नहीं बोलती, वो बोलती अभी फ़िलहाल रहन दीजिए, लेकिन वो अंकल बोलते नहीं जी आपने कुछ ज़्यादा ही चढ़ा रखा है। भाई साहब होते ना तो शायद आपको पता चलता कि कैसे घर गृहस्थी चलाती है। भाई साहब के जाने के बाद आपने सारे बच्चों को सर पर चढ़ा रखा है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी बोल देते कि जो कि उनको दिल पर लग जाती है। या जो होते हैं ना वो अंकल चल जाते हैं, और या बेचारी मैम जो होते हैं ना, वो चाय वाय बना रही होती है एंड यहाँ मम्मा को देती है, लेकिन मम्मा का तो मूड ख़राब था, इसकी वजह से वो अपने रूम में चल जाती है। अब किसको क्या ही बोले, इसकी वजह से वो मेडिसिन खा लेती है, चुपचाप सो जाती है। अब यहाँ मैम देखती है कि कहाँ गए मम्मा, तो देखती है कि मम्मा सो रहे हैं, मम्मा ने कुछ खाया भी नहीं होता, इसकी वजह से हमारी मैम जाती है उनको उठाने, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, तो समझ जाती है कि सो रहे। या सुबह की मॉर्निंग होती है, उठती बोलती कहाँ चले गया, सब लोग कितना शांति है, जैसे जाके देखते तो बेचारी मम्मा जो होते ना बेड सो के होते और हमारी मैम उसके साथ में होते, हाथ पकड़ के सॉरी वॉरी बोल रहे होते। मैम को बहुत बुरा लग रहा होता है, क्योंकि इवेंचुअली यार हर एक लड़की चाहती है कि उसकी मम्मा को कोई इंसान कोई आप तू करके बोले भी ना, और जब कोई इंसान आपकी वजह से उसने सुना देता है तो इट हर्ट्स अ लॉट। वह खुद को सॉरी बोल रही होती कि यार मैंने कैसी आपकी नाक काट दी, ऐसा वैसा बहुत सारी चीज़ें बोल रही होती, काश मैं उस सिचुएशन को अच्छे से संभाल पाती तो शायद ये दिन आपको देखना नहीं पड़ता, ऐसी बहुत सारी चीज़ें बोल रही थी। शुभ उनका हक करते बोले जान कोई बात नहीं, जो हो गया जो हो गया, अब क्या ही लेके बैठो यार, लेट इट बी ना, मामा सोई है ना, चलो उठो। यहाँ देखते कि हमारी शुभ जो होते हैं, बोले जान मैं ब्रेकफास्ट बन गया, तो बोलते हाँ जी अब जाओ मुँह धो के आओ। यहाँ शुभ चल जाती है मुँह धोने के लिए, कुछ समय के बाद गोल्डी आती है, बोलती क्या हो गया मम्मा उठे नहीं, बोलते मम्मा तो उठे थे, वो बताती कि वो अंकल आए थे उन्होंने कुछ कहा, उसके बाद मम्मा चले गए सोने के लिए, मैंने उठाया लेकिन उठे नहीं। गोल्डी बोलती चलो ठीक है मुझे ब्रेकफास्ट दे दो, तो मैं देख के आती हूँ, ऐसा बोल के चल जाती है, मम्मा को ब्रेकफास्ट कराती और खुद चल जाती है कॉलेज के लिए। यहाँ शुभ को भी जाना होता है उसके घर में, क्योंकि मम्मा बुला रही होती है। अब बेचारी मैम की इच्छा नहीं होती है ना कहीं जाने, क्योंकि इच्छा तो बस ऐसा होता है कि बस कहीं दूर चल जाओ जहाँ पर मुझे कोई मिले ही ना, लेकिन ऐसा चीज़ हो नहीं सकती थी। या हमारी मैम को भी बहुत सारे फ़ोन आ रहे होते हैं कोचिंग से कि आई क्यों नहीं आई क्यों नहीं। या बेचारी हमारी जो मैम जो होते हैं बोलते चलो यार मुझे जाना ही पड़ेगा, ऐसे बोल के मम्मा के रूम में जाती है, मम्मा वहाँ पर सोने का नाटक कर रही थी। या बेचारी हमारी मैम जाके बोलती मम्मा मुझे ना वो कोचिंग जाना पड़ेगा, बच्चों के एग्ज़ाम भी, और मुझे कुछ सुना इंपॉर्टेंट टिप्स बतानी एंड कुछ नोट्स बताने, कुछ ऐसे बोल के बेचारी चल जाती है। उसे नहीं पता होता कि मम्मा सच्ची सोई है या फिर जागी। बेचारी हमारी मम्मा जो होती है ना वो बोलती है उठने के बाद मेरी जान मेरी बच्ची इसको कितना कुछ सहना पड़ता है, जब हमारे पास कोई नहीं था, जब कोई नहीं आया हमारी मदद करने के लिए, अब हम थोड़ा सा क्या वेल सेटल जो हो गया, लोग आ गए हमारे ऊपर लांछन लगा रहे, ऐसी वैसी बहुत सारी चीज़ें। उसे भी पता था कि यार मेरी लड़की ने बहुत सारी चीज़ें सही है, लेकिन बोलते ना कुछ समय के बाद हर एक चीज़ की वैल्यू कम होने लगती है। बस मैम की भी वही हो रही होती है, क्योंकि उसने इतना कुछ कर लिया होता है अपनी फैमिली के लिए कि बाकी के जो लोग होते हैं उसकी वैल्यू कम कर रहे होते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस नहीं जान पा रहे होते। लेकिन उसकी मम्मी को पता था कि मेरे लड़के ने जो कुछ किया है शायद वो एक लड़का भी नहीं कर पाता होता। या कुछ समय के बाद बेचारी मम्मा को भी अच्छा नहीं लगता, इसकी वजह से हमारी मम्मा फ़ोन करती है। या मैम जो होती है ना रास्ते ही ऑटो में होती है, इसकी वजह से है ना वो फ़ोन उठा लेती है, वो भी शौक हो जाती है कि यार ये कैसे हुआ। यहाँ बेचारी मम्मा हेलो बोलती है तो हमारी मैम की तो धड़कन ऐसी रुक गई होती है कि भाई अब क्या ही हो गया, अब कुछ बोले या फिर कैसे कॉल कर दिया इस टाइप का। या मम्मा बोलती तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं, अब जो थोड़ा सा बोलना तो पड़ता ही है, तो हमारी मम्मा चिल्लाती कि तुमने मुझे उठा के नहीं जा सकती थी। अब बेचारी इन आया बोलती मैंने मम्मा उठाया था लेकिन आप सोई थी इसकी वजह से नहीं, तो आई एम सॉरी ऐसा बोल दे। तो हमारी मम्मा बोलती चलो कोई बात नहीं, लेकिन आइंदा जब जाओ तो मुझे बता कर जाओ, और हाँ आधे समय ना कुछ फ्रूट्स लेके आ जाना, सब्जी का लेके आ जाना, ऐसे बोल के ना रख देती है। बेचारी हमारी इनायत खुश हो जाती है, चलो फाइनली मम्मा ने बात जो की। यहाँ बोलते ना थोड़ा सा मूड ठीक हो गया होता। फाइनली हमारी मैम चल जाती कोचिंग में जैसे जाती सारे बच्चे चिल्ला रहे होते। थोड़ा सा ना मतलब होता है कि जब आपकी लड़की होती है ना, मतलब कि यंग, थोड़ा सा लड़के कुछ अलग ही टाइप के देखते या फिर पासिंग करते कमेंट, हमारे जैसे लोग कमेंट पास करते हैं, और कुछ समय के बाद हमारी मैम इग्नोर करती, क्योंकि हर एक इंसान का मुंह नहीं बंद कर सकते आप। इसकी वजह से मैम उन्हें बोलती बेटा कुछ ज़्यादा नहीं उठ रहे हो, थोड़ा सा हद में रहा करो, उम्र देख के इंसान पे ना ये करो। लेकिन वो तो लड़के थे,
लड़के का ही मानते हैं। यहाँ देखते ही बेचारी मैम उनको बोलती, चलो आओ यहाँ पर मुझे नोटबुक बताना, कहाँ तक होमवर्क किया तुमने बताना था सर, ऐसे बोल के वो चल जाते। वो जो लड़के होते हैं ना, वो मैम के कैब मतलब मैम मैम के जो वहाँ पर होता है ना रूम में, वहाँ पर बैठ के मैम बैठ के होती है वहाँ पर, उनके पास बहुत नज़दीक में जाके बता रहे होते हैं। मैम उनको दूर करती कि मेंटेन करो डिस्टेंस, क्या है इतना चिपक के हो रहा, दूर हो वहाँ पर 10 मिनट का, 10 सेंटीमीटर का गैप रखो, ऐसे बोल के बेचारी मैम उनको चिल्लाती है, थोड़ा सा दूर होने के लिए बोलती है, क्योंकि लड़के कुछ ज़्यादा करीब आ रहे होते हैं जो कि मैम को बिल्कुल पसंद नहीं था। या कुछ समय के बाद जो लड़के जो होते हैं वो मैम को टीज करते हुए बोलते हैं, मैम वैसे आप कौन सा परफ्यूम लगाते हो, बड़ी कमाल की खुशबू आ रही है आपके अंदर से, सर हमें बताना हमें कल से लगा के आएंगे। या मैम बोलते चलो ठीक है फिर मैं बताती हूँ, एक काम करो तुम्हारे पापा का नंबर दे दो, मैं उनको बता देती हूँ, वो आपको ना ला के भी देंगे। ऐसे बोल के बेचारी मैम उनको चुप करा देती है और बोलती जाओ चुपचाप अपने प्लेस पर जाके बैठो और होमवर्क करके आना, ठीक है आज तो छोड़ रही हूँ लेकिन आइंदा पापा को फ़ोन जाएगा, ठीक है, और ज़्यादा बनो मत, मुझे समझ में आ रहा है तुम्हारी हरकतें क्या है, ठीक है, 1 सेकंड नहीं लगेगा मुझे फ़ोन घुमाने के लिए तुम्हारे घर वालों के पास, चलो जाओ मुँह मत दिखाना मुझे आइंदा, ऐसे बोल के चल जाते हो। लड़के लड़कों को भी थोड़ा सा गुस्सा आता है लेकिन बोलते हैं कहा लड़के अपनी फितरत से मानेंगे। कुछ समय के बाद मैम जो होते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स बता दिए, कुछ फॉर्मूलेज बता दिए जो कि डाउट्स होते हैं वो भी क्लियर करवा देते, और फाइनली बोलते हैं चलो बच्चों तुम लोग जा सकते हो। लेकिन यहाँ कुछ लड़कियाँ होते हैं जो कि बोलते हैं मैम हमें ना कुछ डाउट है क्योंकि हमारे एक टॉपिक क्लियर नहीं हुआ, प्लीज़ आप हमें क्लियर कर पाएंगे, क्योंकि हमारे मैम ने तो लेक्चर लिया होता है लेकिन डबल लेने के लिए हमारे बच्चे बोल रहे होते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम होता है लोगों को डर होता है डाउट होता है एंड कहीं भूल जाने का वो डर तो बहुत खतरनाक होता है। तो सारी लड़कियाँ बोलते हैं कि प्लीज़ प्लीज़ मैम अब हमें पढ़ाइए, ऐसे भी हमारा लेक्चर तो हो चुका है ना, अब हमारी समरी या फिर हमारे नोट्स में थोड़ी सी हेल्प कर दीजिए। मैम बोलते चलो ठीक है फिर ऐसा ही करते हैं। यहाँ देखते हैं मैम जो होते हैं ना वो बोलते चलो जी कल से फिर हम रिविज़न करेंगे पर चैप्टर के, तो सब लड़के और लड़के मान जाते हैं। यहाँ लड़के बोलते चलो ठीक है ना मैम हम ना आपसे सामने बिठा करेंगे, क्या लड़कियों को सामने बिठाते हो आप अक्सर, तो लड़के जो होते हैं ना वही होते हैं, तो मैम बोलती कोई ज़रूरत नहीं तुम पीछे रहो, वैसे भी तुम्हें ज़्यादा दिमाग है तुम सामने रह के कहे करो क्या ही कर लोगे। तो यहाँ लड़के लोग बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे होते हैं बोले हाँ यार मामा या हाँ मैम आपने तो सही कहा, इनमें कुछ ज़्यादा ही दिमाग, इतना ज़्यादा दिमाग हम सहन नहीं कर सकते। यहाँ लड़के लोग जो होते हैं ना कुछ ज़्यादा बोले अच्छा जी कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा अब तुम्हें बताते रुको इस बार ना हम ही टॉप करेंगे, तो लड़कियाँ बोलते हाँ पीछे से ना पता है हमें, तो लड़के बोलते हाँ ना बेटा रुक तो जा तुझे बताता हूँ, ऐसे बोल के इन कुछ झगड़े चाले होते। मामा मतलब मम्मा का जो है ना बहुत मतलब दिल मचल रहा होता है क्योंकि फाइनली बात तो कर लिया होता है लेकिन बोलते ना दिमाग में वो जो रिश्तेदारों का डर सया सताया हुआ होता है उनको अभी भी डर लग रहा होता है कि अब क्या ही होगा, रिश्तेदारों का तो भाई खतरा जैसे उनके दिमाग में चढ़ गया होता है। यार शुभ बोलती है यार कुछ समय से मेरी जान कुछ ज़्यादा ही परेशानी, काम करते कुछ सरप्राइज प्लान करते। यार शुभ जो होते ना बोलते यार एक काम करते बहुत दिनों में हम रेस्टोरेंट नहीं गए, ऐसे बोल के रेस्टोरेंट का आइडिया निकालते और साथ ही साथ बोलते एक काम करते आज कुछ ना शॉपिंग पे जाएंगे, शॉपिंग पे जाने के बाद कहीं कहीं पे ना घूमने के लिए भी जाएंगे, ऐसे लोग जो होते हैं ना कुछ प्लान्स बना लेते हैं। या मैम जो होते हैं वो अपने लेक्चर ले रहे होते हैं, कुछ बोलते हैं डाउट सेशन होते हैं जो कि लड़के ही उनके रूम में होते हैं ना वो पूछ रहे होते हैं। शुभ देखते हैं कि यार टाइम तो अभी बाकी है वैसे भी क्या ही करोगे, ना जाके एक काम करते चली जाते हैं, इतना सोच सोच के मतलब ही क्या, ऐसे भी जान का लेक्चर तो खत्म हो गया होगा अभी तो डाउट सेशन चालूंगा, ऐसे बोल के शुभ क्योंकि टीचर्स लोग की छुट्टी हो जाती है जैसे उनके लेक्चर हो जाते हैं उस डाउट सेशन के लिए उनको रुकना पड़ता है कभी कभी, नहीं तो उनकी इच्छा होती है रुकना या जाना। शुभ बोलते चलो यार इतना क्या सोचना, ऐसे बोल के चल जाते हैं। और यार शुभ जो होते हैं उनके लिफ्ट में मतलब मैम के कोचिंग के नीचे लिफ्ट में जा रही होती हूँ, या एक लड़की मिलती है जो कि शुभ को बहुत क्यूट लगती है, बोलती यार सची आप कौन से क्लास में, बता दें कि मेरा अभी 12th है मेरे बोर्ड के एग्जाम होने वाले हैं, तो वो सब बता रही होती है। शुभ उनके लिफ्ट में बातें चालू हो गए होते हैं। कुछ समय के बाद बेचारे शुभ उनको फ़ोन करती है, मैम बोलते क्या हो गया जान मैं तो क्लास में हूँ डाउट सेशन चालू जान, तो हमारे शुभ बोलते अरे यार जान हो गया ना लेक्चर ले लिया अब डाउट सेशन कितना घंटा उन लोगों के डाउट निकालते रहोगे, बस हो गया ना एक बात बताना कहाँ पर। तो शुभ मैम को बताती है कि मतलब मैम शुभ को बताती है कि मैं तो यहाँ ही वाले रूम में, शुभ चल जाते हैं उनके रूम में। शुभ ने थोड़े से बुके लिए होते हैं रेड कलर के रोज़ेस होते हैं, उसमें सिर्फ एक ही होता है रेड कलर का रोज़, बाकी हमारे शुभ के फेवरेट कलर के ना पिंक कलर के रोज़ होते हैं। यहाँ जैसे जाते तो सारी लड़कियाँ शुभ को देखते बोलते ओह माय गॉड ये कौन है, या शुभ बोलती अच्छा जी आप मुझे नहीं जानते, तो हमारे शुभ मैम बोलते कुछ ज़्यादा मन बनो ये मेरी फैमिली है, ऐसे बोल के हमारे शुभ बोलते चलो ठीक है ना आप आ ही गए तो मुझे ये बताना कि आपने मुझे बताया क्यों नहीं। शुभ बता दिया अरे जान बताया तो सही था ना कि आने वाले हैं, तो मैम बोलती कब बताया था, तो शुभ बोला अरे वो मैंने अपने दिमाग में बताया था, आई एम सॉरी ना चलो ना अब हो गया कितना डाउट सेशन करोगे। तो हम जो लड़कियाँ होती बोलती क्या है मैम आज हमारा क्लास मतलब नहीं होने वाला, तो लड़कियाँ को है ना शुभ बोलती क्या है यार डाउट डाउट करता है कितने डाउट निकालने तुम्हें, बस एग्ज़ाम देना या फिर डाउट ही निकालते रहोगे, जाके पढ़ाई भी कर लिया करो भगवान बचाए तुम्हारे जैसे स्टूडेंट्स हैं।
यहाँ टीचर बोलती चलो ठीक है फिर आज के लिए इतने, कल डाउट हम लेते हैं। तो यहाँ सब लड़कियाँ जो होते हैं शुभ को बोलते, वैसे आपकी वजह से हमारी क्लास मिस हो गई। तो शुभ बोलते अरे बाबा क्लास मिस नहीं हुई, तुम्हारा दिमाग मिस हो गया, क्लास के समय पढ़ती नहीं हो, डाउट करने के लिए आ जाते हो, क्या है यार तुम, सच्ची तुम पागल इंसान हो, कल से ना डाउट सेशन कुछ रखना ही नहीं। तो यहाँ बेचारे लड़कियाँ बोलते अच्छा जी फिर आप हमारे क्लियर करना डाउट, ओके हमारे फिर कम मार्क्स आएंगे ना फिर आपका ही हम नाम ख़राब करेंगे। तो हमारी मैम बोले चलो ठीक है फिर, देखिए कैसी धमकी मिलती मुझे, इसलिए मैं बोलती हूँ डाउट सेशन में कुछ कॉल मैसेज ना किया करो, आप आ ही गए वाजिब आप कुछ नहीं होने वाला है आपका, ऐसे बोल के शुभ को चिल्लाती है। अब बेचारी लड़कियाँ जो होते हैं ना वो बोलते चलो ठीक है मैम आज तो हम आपको छोड़ रहे हैं लेकिन कल आपको हमारे साथ डबल टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। तो शुभ बोलते हाँ यार ये मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं करती, बस आपके साथ डबल टाइम स्पेंड करेंगे वाजिब ही सही है। ऐसे बोल के लड़कियाँ बोलते चलो ठीक है ना फिर आप अपना नाम तो बताओ। तो शुभ बोलते क्या नाम बताना, ऐसे नाम की ज़रूरत नहीं मुझे, ठीक है दुनिया जानती है मुझे। तो लड़कियाँ बोलते अच्छा जी ऐसा कौन सी दुनिया है जो हम नहीं जानते। शुभ बोलते अब कोई बात नहीं थोड़े से बड़े हो जाओ उसके बाद तुम भी मुझे जान लोगे। ऐसे बोल के लड़कियाँ बोलती चलो ठीक है फिर, हमें तो आपकी बात समझ नहीं आ रही। तो शुभ बोलती वैसे तुम्हें आनी भी नहीं, जब तुम्हें कुछ सेशन ही समझ नहीं आता तुम क्या ही समझोगी मेरी बात। ऐसे बोल के ना बेचारे शुभ थोड़ा सा उनको ये कर देती, रोस्ट कर देती। यार लड़कियाँ बोलती कुछ ज़्यादा नहीं हो गया आपका, हमारे आप टीचर के कुछ लगते हो उसकी वजह से हम कुछ नहीं बोल रहे, वरना तो आप जैसे तो हम उड़ा देते ऐसे हवे में। तो शुभ बोले अच्छा जी हाँ ठीक है फिर चलो जाओ 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 बहुत हो गया सेशन अब तुम्हारा मेरी बारी, ऐसे बोल के चल जाती है लड़कियाँ। लेकिन हमारी लड़कियाँ बोलती कौन थी यार लड़की, कुछ ज़्यादा ही टेढ़ी थी। या कुछ समय के बाद हमारी मैम बोलती क्या है जान तुम तो मुझे बता के क्यों नहीं आई, बेचारे बच्चों का सेशन चालू था। शुभ बोलती यार क्या ही है यार, क्लास ले लिया आपने, लेक्चर ले लिया, अब क्या ही सेशन डाउट सेशन कितना करोगे, बस हो गया ना सारे टीचर चले जाते हैं बस आप ही हो, कुछ ज़्यादा ही आपको बच्चों की पड़ी है। या हमारी मैम बोलती जान कुछ नहीं होता यार, बच्चे हैं ना कल जाके उनका ही फ्यूचर ब्राइट होगा। या शुभ बोलती यार बाबू पर हमारी भी लाइफ है ना, ऐसा तो ना कि बच्चों की लाइफ बनाते बनाते खुद की लाइफ भाई कबड़ा कर दो। तो मैं बोली चलो ठीक है बताओ वैसे आए क्यों हो। तो शुभ बताती जान चलो तो सही। तो मैं बोली कहाँ जाना है बाबू मेरी इच्छा नहीं है। तो हमारी शुभ बोलती क्या है यार जान प्लीज़ ना, भी हो गया ना चलो चुपचाप, ऐसे बोल के मैम बैग उठा लेती और चलती उनका हाथ पकड़ के नीचे में। यहाँ लोग लिफ्ट में होते हैं, लड़कियाँ जो होते हैं वो नीचे ग्राउंड फ्लोर पे कुछ ना कुछ खा रही होते हैं। तो हमारे शुभ देखते कि यार ये तो यहीं गया। शुभ को बोलते मतलब मैम को बोलते जान उसकी तरफ देखना मत चुपचाप चलो। लड़कियाँ तो लड़कियाँ होती बोलती मैम 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 अब रुको रुको रुको, सब बेचारी को रुका लेते हैं बोलते क्या है यार तुम्हारा। तो शुभ बोलती है उनको, तो बोलती मैम हम ये कौन है हम आपसे बात कर रहे हैं ना। तो हमारे शुभ बोलते वैसे तुम्हारी मैम अभी बिजी है ठीक है आई बढ़े जाओ तुम चुपचाप खा लो मुझे जाना है इनको लेके। तो बेचारी लड़कियाँ बोलती नहीं 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 मैम मैम प्लीज़ प्लीज़ आप हमें इतना पढ़ाते हो इतना हमारे डाउट क्लियर करते हो आप आज ना हमको ट्रीट देंगे। अब लड़कियाँ तो लड़कियाँ होती मैम का ना पल्लू पकड़ के हाथ पकड़ के लेके चल जाती है वहाँ पर फूड के काउंटर पे। यहाँ शुभ बोलती है अरे माय गॉड ये कुछ होने जाना वाला है ही नहीं, लड़कियाँ छोड़ेंगी नहीं, एक काम करते हैं इंसान मजाक में बदला लेते हैं। ऐसे बोले बेचारे शुभ भी चल जाती है और बोलती बताओ जी आज क्या खाए। मैम बोलती नहीं खाना मुझे बच्चों के पैसे से, आए बड़े बच्चों के पैसे से खाओगे, शर्म नहीं आती आपको। तो शुभ बोलती अरे किस बात की शर्म यार, बच्चे इतनी ज़िद कर रहे हैं आप खा ही लेते हैं ना, मुझे तो बहुत भूख लग रही है। ऐसे बोल के शुभ जो होता है ना पिज्ज़ा विज्ज़ा जो होता है ना उसको खाने के चाहे वो सब ले लेती है। यहाँ लड़कियाँ बोलती यार हम तो मैम को खिलाने आए थे ये क्यों खा रही है। बेचारी मैम बोलती जाना क्या है यार इतना क्यों ले रहे हो, क्या सोचेंगे छोटे बच्चे कमाने जाने कमाने नहीं जाते अभी भी। तो शुभ बोलते अरे यार कुछ ज़्यादा बोल रहे थे हम खिलाते हैं डाउट सेशन क्लियर करवाते हैं तो हमको ट्रीट देंगे, अब लो ना भाई अब दे रहे थे लो 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 लो। ऐसे बोल के बेचारे लड़कियाँ जो होते ना वो मुँह बना रहे होते कि यार ये क्यों। यह बेचारी मैम बोलती प्लीज़ जान बहुत हो गया, सब मेरी इज्जत ख़राब कर रहे हो आप मेरी। शुभ बोलती जान इज्जत ख़राब नहीं कर रही मैं आपकी चुपचाप रहो। ऐसे बोल के ना लड़कियों से बात बात कर रही होती बोलती वैसे ये सेशन कैसा होता है आपका डाउट सेशन बताना मुझे। तो लड़कियाँ बताती कुछ नहीं हम जब जो चीज़ समझ में नहीं आती हमें तो हम पूछते तो हमारी शुभ बताते उनको अच्छा जी मतलब कि क्लास में फिर देखते क्या रहे। तो सारी लड़कियाँ बताते अरे इसकी तो सेटिंग चालू है ना क्लासरूम में, बताया आपको एक लड़का है जो बैक बेंच है इन दोनों की लाइन चालू मतलब लाइन चालू है इन दोनों की एक दूसरे को देते रहते इसकी वजह से मैम का लेक्चर नहीं अटेंड कर पाते दोनों। तो लड़का जो होता है ना कुछ ज़्यादा इस पर लट्टू है इसकी वजह से इसकी भी अभी नीयत ख़राब हो रही है उस लड़के पे। तो हमारी शुभ अच्छा जी मतलब ये है दाल में कुछ खराबी, इसलिए मैं कहूँ कि मैम को अकेला क्यों रेशियो छोड़ते हो आप लोग, इतनी मैम इतनी सच्ची से समझाती कि आपको डाउट सेशन की ज़रूरत नहीं है लेकिन यही कारण था पता चला। तो मैम बोलती अच्छा जी बताना सर कौन सा लड़का था मैं भी तो देखूँ आपका।
सारे लड़कियां टीस कर रही होती, आहा, बता दे बता दे बता दे यार। लड़की इतनी ज्यादा शर्म से पानी पानी बोलती, यार मैंने गलती कर दी, तुम लोग को ट्रीट देके आई एम सो सॉरी यार, प्लीज बचा लो मम्मा, प्लीज कोई बचा ले। या लड़कियां बोलती नहीं नहीं रुको रुको बताते, वो नहीं है मैम, वो हमारे पीछे बैठता है। तो हमारी मैम बोलती कौन ये, तो बोली नहीं वो। यार लड़की बेचारी इतनी ज्यादा ब्लश कर रही होती शर्मा शर्मा के, तो उसके भाई साहब देखने लायक। शो बोलते अच्छा जी जरा बताना फोटो है आपके पास, मुझे फोटो देखनी, भाई मैं देखूँ तो सही इसकी चॉइस कैसी है। यार लड़की बोलती प्लीज 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 यार गलती हो गई मैंने ट्रीट देके। यहाँ बेचारी लड़की जो होती है ना वो बेचारी जाहिर ही होती है, तो शुभ उसका हाथ पकड़ लेती है, मैम कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती। तो शुभ उसको बोलती अरे चल ठीक है ना बाबा, फोटो ना दिखा दो एटलीस्ट मिला ही दो, हम रिश्ते की बात ही कर लेते। अब यह शुभ ऐसी बोलती और मैम उसको इतना ज़्यादा घूर के देखते कि क्या था। अब यह शुभ तो फ्रेंड्स मतलब फ्रेंड्स क्योंकि उसकी भी ज़्यादा एज नहीं होती है ना, थोड़ा सा होता है कि उसमें लोगों के साथ घुलना मिलना बहुत अच्छे से होता है, इसकी वजह से मैम की जो होती है ना, अब ये मैम की जो होती है ना चीज़ें खराब हो रही होती है, क्योंकि यार कुछ ज़्यादा नहीं हो गया, ये मेरी स्टूडेंट है उसका हाथ क्यों पकड़ रहे हो। या शुभ उनको बिठा देती उसके साइड में, मैम को और ज़्यादा जलन हो रही होती कि यार इसका हाथ क्यों पकड़े, इसके साथ में क्यों बैठे हो। अब यार शुभ उनको बहुत ज़्यादा टीज कर रही होती, बताना लड़का लड़का करता क्या है, कौन सा खानदान है, ऐसे ऐसे बहुत सारी चीज़ें कर रही होती। या मैम बोलती कुछ ज़्यादा नहीं हो गया, हो गया बस, चलो ठीक है बहुत सता लिया आप लोगों ने, चलो चलो चलो, ऐसे ऐसे बोल के शुभ का हाथ पकड़ती और ना पैसे देती। तो वो सब बोल देंगे मैम प्लीज़ आप मत दीजिए, बोलते नहीं 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 मेरी तरफ से ट्रीट है, ऐसे बोल के पैसे ले लेते। और शुभ जाते समय बोलते लड़की को अरे सर बताना वो फोटो क्यों डाय गया आपकी तरफ। तब भाई ये बोलना था और मैम के भाई आंखों में से अंगारे निकलते हुए कि क्या मतलब तुम्हारी तरह क्यूट, मतलब कि क्या देख रहे हो लड़कियों को, ऐसा वैसा हमारी मैम की भाई मतलब आंखें लाल लाल गुस्से के मारे। अब शुभ को पता नहीं था कि भाई उसका प्लान कुछ ज़्यादा ही उल्टा पड़ने वाला है। या हम लोग जैसे कोचिंग से बाहर निकलती ना, मैम बैठ जाती ऑटो में, शुभ ने कुछ गाड़ी नहीं लाया होता जानबूझ के, ऑटो में लोग घूम रहे होते, यहाँ देखते ही मैम चल जाते बैठ जाते। या शुभ जैसे आने वाली तो मैम बोलती भैया ये मेरे साथ नहीं है, तो शुभ बोलती क्या मैं आपके साथ नहीं हूँ, नहीं नहीं भैया मैं इनके साथ ही हूँ, ऐसे बोल के शुभ उनके साइड में बैठ जाती हूँ। तो बोलती नहीं नहीं मैं तो इनको नहीं जानती, आप इनको अलग छोड़ देना, पहले मुझे छोड़ देना ठीक है, मुझे अपने घर जाना है। तो शुभ बोलती ओए 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 कहाँ घर वर जाना है, कोई घर नहीं जा रहा, कोई मॉल में चलना है, चलो चुपचाप, ये क्या बात हो गई, मुझे पहचानते नहीं, मैं बताऊँ मैं आपको। तो यार शुभ शुभ मैम को थोड़ा सा चिल्ला रही हो, तो मैम बोले अच्छा जी मैं बताऊँ आपको, हाँ निकलो यहाँ से, मुझे नहीं पता आप कौन हो, पता नहीं कहाँ से भी आ जाते हैं इंसान। यह बेचारी शुभ बोलती क्या हो गया यार, दो मिनट में इंसान चेंज हो गया। यह बेचारी शुभ बोलती जान मैं हूँ यार, क्यों ऐसा कर रहे, मैंने क्या गलती कर दी, मैं तो बस मजाक कर रही थी। बोली कैसा कैसा मजाक होता है आपका, दिमाग है कि नहीं कुछ भी, उसको हाथ पकड़ोगे, उसको क्यूट बोलोगे मेरे सामने, इतनी हिम्मत आपकी, मार दूंगी आपको अगर आज के बाद ऐसा कुछ बोला तो, मुझे बात ही नहीं करनी आपसे, निकलो ऐसे। या शुभ बोलती जान प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, सामने ऑटो है वाला है, क्या बोलेगा मुझे, बोलती क्या ही बोल रहा है उन्होंने, तो चलो चलो अंकल मुझे मुझे मैं अपने घर छोड़ दो, इंसान को छोड़ दो, जानू मैं। या बेचारी शुभ बोलती जान जानू मैं नहीं होता, बोलती हाँ कहीं पर भी होता हूँ, मुझे मत छोड़ो, मुझे छोड़ दो बस, मुझे नहीं जान बात करनी आपसे, निकलो ऐसे, उड़ 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 उड़। या बेचारी शुभ बोलती जान ऐसी किसी बात कर रहे हो यार, मेरी इज्जत है, बोली कौन सी इज्जत, मुझे नहीं पता आपकी इज्जत विज्जत, निकलो ऐसे, गेट आउट। तो यह बेचारे अंकल बोलते अरे बेटा कोई बात नहीं, पहले मैं आपको छोड़ दूंगा उसके बाद इनको छोड़ दूंगा, ओके क्यों झगड़ा कर रहे हो। यहाँ देखते कि हमारे अंकल बोलते आप दोनों पहचानते हो या फिर नहीं पहचानते, तो मैं बोली नहीं पहचानते हैं, इस इंसान को कौन नहीं पहचानेगा, ऐसे बोल के शुभ बोलते अच्छा जी पहचानते नहीं, अब बताओ मैं हम दोनों के साथ में पिक दी। तो हमारी हमें शुभ बोलते कौन सी मैम को बताती है, मैम बोलती कौन सी पिक, कोई पिक विक नहीं है, मैंने सारे डिलीट कर देना, ओके बात मत करो मुझसे, जाओ वो लड़की से बात करो तुम जाके, आई बड़े उसका हाथ पकड़ रहे हो, साथ में बिठा रहे हो, हाँ टीज कर रहे हो, क्या बोला उसको कि बहुत क्यूट है, हाँ क्यों वो क्यूट लगती है आपको, मैं क्यूट नहीं हूँ। या बेचारी शो बोलते ओ माय गॉड, मतलब ये है मसला, ये है जड़। तो शो बोलती है मैम को अरे बाबू मजाक कर रही थी, छोटी लड़की है यार कुछ भी मतलब कुछ भी। तो शुभ बोलती है उसको तो मनाने की कोशिश कर रही, तो मैम बोली मुझसे बात ही मत करो, ऐसे बोली बेचारे रिक्शे वाले अंकल बोलते अब एक काम करो पहले मुझे ना मार्केट छोड़ दो, मुझे मार्केट में कुछ सामान खरीदना है, ऐसे बोलेंगे लोग मार्केट जो नज़दीक ही होते हैं वहाँ चल जाते हैं। या तो अंकल को बोलते प्लीज़ आप रुक के रहिए, या मैम जा रही होती सब्जी ले रही होती, मतलब कि ना गुस्से गुस्से में जा रही होती, शुभ उनके पीछे भाग रही होती, अरे जान रुको तो सही रुको तो सही रुको तो सही। या जो मैम जो होते हैं मतलब बात ही मत करना निकलो यहाँ से, दफा हो जाए यहाँ से। या शुभ बोलते जान समझा करो सब लोग देख रहे हैं कैसी बातें कर रहे हो मुझसे। या तो भाई शुभ कैसी हालत हो गई होती, सब लोग उसको देख रहे होते, होता है ना कि मियाँ बीबी झगड़ रहे हैं सब लोग देख रहे होते भाई क्या ही चल रहा है। या मैम जाती बोलती टमाटर कैसे दिया आपने, तो बोलता है इतने दे, तो बोलते अच्छा जी इतना महंगा है, इतना महंगा खाएंगे या फिर क्या ही करेंगे बताओ हम,
तो बेचारे उस पर चिल्ला रही होती है। उसे बोलते अरे बाबा कोई बात नहीं कोई बात नहीं, एक काम कर कीजिए आप दीजिए। बोलते आप कौन होते हो, मैं आपको जानती नहीं, चलो निकलो यहाँ से, गेट आउट। यहाँ से बोलती हूँ जॉन प्लीज़ बहुत हो गया, जब से देख रही हो क्या ये गेट आउट कर रहे हैं, मैं जान नहीं हूँ आपकी। तो मैं बोलती कोई जानवा नहीं मेरी आज के बाद, निकलो यहाँ से, गेट आउट बोला बस, गेट आउट, निकलो यहाँ से, दफा हो जाओ। या शुभ बोलते जॉन प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। या शुभ के हाथ में टमाटर होते हैं, या शुभ के हाथ से टमाटर लेते उसके मुंह पे मार दे, बोले मुझसे बात ही मत करना। या हमारे वो सब्जी वाला बोलते अरे भैया, वो बोलते अरे मैडम अब मेरे टमाटर क्यों फेंक के मार रहे हो, पत्थर फेंक के मारो। तो शुभ बोलते क्या पत्थर, नहीं 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 ये टमाटर ठीक है, ये लाइक पत्थर कुछ भी आइडिया दे दो मेरा भैया, कमा लो आप। या बेचारी मैम सामने सामने जा रही हो, तो शुभ बोलते प्लीज़ जॉन समझा करो, सब लोग देख रहे क्या क्या, मेरी इज्जत लगा दो बस पड़ा। तो शुभ बोलते मैम को, मैम कौन सी इज्जत है आपकी, इज्जत है क्या, देख ली मैंने आपकी इज्जत, बाद ही मन करो मुझे बाद ही मन करो मार देना, मैंने सारी सब्जी उठा उठा के फेंकने अभी, गेट आउट बोला तो गेट आउट। यार शो बोलते जॉन प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, कौन सी सब्जी चाहिए बताओ, मैंने खरीदना है। कौन खरीदना चाहता है आपके साथ में, आप निकलो यार से बस, बोला ना ऐसे बोल के वहाँ चल जाती है। वहाँ पर हम सब्जी खरीद रहे होते हैं, वहाँ पर जो अंकल होते हैं उसको चिल्ला रही होती है कि ऐसी ऐसी सब्जी बिकते हो, कितने गंदे लग रहे, फ्रेश भी नहीं है, ऐसा वैसा बहुत सारी चीज़ें। शो बोलते ओ माई गॉड यार, मैं तो इसको लेके चली थी प्लान करने के लिए डेट, लेकिन कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं हो सकता इंसान का, मेरे कर्म फटे थे जो मैंने इनको लिया था। अब ये बात सुन लेती मैम, मैम का और ज़्यादा पारा हो जाता, ऊपर बोलती ओ माई गॉड, मतलब ये बात ये बात सुनना रह गया था बस, अब तो सुन लिया, अब निकलो बस, उनसे बात ही मत करो। यह शुभ की तो भाई हार्ट बीट जैसे ऊपर नीचे हो ही रही होती, ऊपर से मैम उसको जानबूझ के और भी ज़्यादा परेशान कर रही थी। होता है ना कोई इंसान बहुत ज़्यादा पजेसिव हो जाता है आपको लेके, आप अगर किसी इंसान के साथ हंस भी दो या फिर प्यार से दो मिनट बात भी कर लो, तो आपका पर्सन कच्चा चबाने के हिसाब में आ जाता है आपको। मैम की भी हालत हुई थी, या शुभ बोलती जान प्लीज़ समझा करो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। या मैम ने इतनी सारी सब्जी ले लिया होता कि बेचारी शुभ पकड़ पकड़ के परेशान हो गया होती है। मैम बेचारी सामने सामने जा रही होती, सारी सब्जी ले रही होती, जैसे उसको पूरा गुस्सा सब्जी पे निकालना। या शुभ बोलती जान कितना सब्जी लोगे यार, हो गया ना यार, पर महीने ही भर के लेना कि आज के दिन। या बेचारी शुभ बोलती है जान प्लीज़ समझो तो, चलो तो सही। या बेचारी मैम बोलती बस जा रही हूँ मैं, निकलो यहाँ से, आपने मेरी सब्जी क्यों खरीदी, ऐसे बोल के सब्जी ले रही होती। तो बोले अरे चलो ठीक है बाबा, अब बस ऑटो में तो चलो, बाद में ले लेना मुझसे, इतना सारा पकड़ हो गया, चलो चुपचाप, ऐसे बोल के बेचारे लोग चल जाते। जैसे ऑटो में बैठ जाते तो हमारे अंकल देखते बोलते बाप रे इतनी सारी सब्जी। शुभ बोलते हाँ ये अभी एक दो महीने हैं, चला लेंगे हम लोग। शुभ मैम की तरफ देखती है, मैम बोलती है मुझसे बात ही मत करो। शुभ उनके हाथ में ना पूछो ना क्लॉर क्या बोलते हैं उसको, कॉलीफ्लावर वो देती है। बोलते जान ये कितना प्यारा है ना, क्यूट आपके तरफ। बोलते मुंह पे फिक्के मारूंगी आपकी, आज के बाद मुझसे बात ही नहीं करना। या शुभ बोलती जान प्लीज़ यार मेरी इज्जत है। बोलती कौन सी इज्जत है आपकी, गेट आउट बोला तो गेट आउट। या बेचारे अंकल जो होते बोलते क्या ही चालू है यार इनके पीछे में, बोलते किस इंसान को बिठा लिया मैंने भी। या शुभ मैम को बहुत मना रही होती, कभी भिंडी दे रही होती कभी टमाटर, बोलते मैं बता रही हूँ अगर निकाला ना फेंक के मारूंगे मुँह पे। या बेचारी शुभ की ऐसी हालत हो गई होती कि कहीं करे तो क्या करे। अब शुभ बोलती जान एक काम करते हैं, चलो ना मॉल में चलते। बोलते हाँ मॉल में चलते, जाओ आप मॉल, उस लड़की के साथ जाना, मेरे साथ बिल्कुल नहीं चलना। या शुभ बोलती जान कौन सी लड़की यार, बच्ची है बच्ची। बोलते अच्छा अच्छी बच्ची है बच्ची, ऐसे उसके साथ बात करते हो बच्ची के साथ में। हाँ या शुभ बोलते जान प्लीज़ माफ़ कर दो, सॉरी सॉरी सॉरी। बेचारी हमारी मैम की तो भाई ऐसी होती है कि बस नहीं भाई आज पानी नहीं करना, आज तो मैंने तुम्हारे साथ तलाक 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 करना है। या भाई हमारे तो अंकल बोलते हाय क्या ही मैंने उस पाल लिया यार, क्यों इनको बिठा लिया। या शुभ बहुत ज़्यादा मना रही होती जान प्लीज़ चलो ना हम ना आज घूमने चलते हैं, ऐसा वैसा मस्के मार रही होती। शुभ के हाथ से थैली लेते बोलते हाँ जाओ निकलो, जब भी निकलो अभी निकलो, मुझसे बात ही मत करो अभी, क्या उस लड़की के घर में जाओ, उसका हाथ पकड़ो और लेके जाओ। या बिल्कुल शुभ समझ नहीं पाती कि यार ये क्यों इतना ज़्यादा ये। अब मैम को इतना था कि यार क्यों उसका हाथ पकड़ा, क्या ज़रूरत थी उसको साथ में बिठाने की, इतना क्यों उसके बच्चे क्यूटी क्यूटी कर रहता है, ये था मैम का रीज़न। वह शुभ को समझ नहीं आ रहा था क्या ही भाई क्या ही मेरी लगी पड़ी है। यह देखते कि अंकल जो होते हैं इनको घर में पहुँचाते थे, जैसे पहुँच जाते तो हमारी मैम के हाथ में इतना सारा सामान, शुभ तो पीछे में इतना सारा सामान लेके आ रहे। तो मम्मा देखते बोलते भाई से किसकी शादी का खाना लेके आए हो तुम लोग, ये कितना सारा खाना है, ये साल भर हो जाएगा हमें। तो बेचारी मैम तो मैम गुस्से में थी, वो अपने रूम में चल जाते। शुभ के हाथ में इतनी सारी थैली होती है सब्जी की, अब बेचारी वो बोले तो बोले कि अब शुभ बताती कि वो ना वो हमने सोचा कि ना वो पार्टी करते हैं। तो मम्मा बोलती पार्टी, इतने सारे खाना शादी है क्या हमारे घर में, तुम खाना ले खाना बनाने के लिए इतना सारा लेके आ गई हो, खराब हो जाएगा यार क्या ही है। बेचारी शुभ बोलती अच्छा चलो ठीक है ना बाबा अब प्लीज़ माफ़ कर दो, ठीक है अब मैं आती हूँ ना, ऐसे बोल के चल जाती है। बेचारी मम्मा बोलती पागल हो गए, इतना सारा कौन लेके आता है, दो मिनट का बोला था मैंने इनको बस यही लेके आना, नहीं पूरा पहाड़ लेके आ गए कैसे बच्चे मेरे, ऐसे बोल के चिल्ला रही होती है। अब देखती कि गोल्डी भी आ जाती, बोलती क्या है ये, हमें हमारे घर में कुछ फंक्शन है या शादी है। हाँ तेरी दीदी की शादी है, देखना कितना सारा खाने का लेके आ गए, समझ में नहीं आ रहा कितना कितना बना के खिलाऊँ उसको मैं। यहाँ बोलती है ओ माई गॉड, अच्छा जी अब ये गुस्सा ऐसे निकाला
इन लोग जो उतर बातें कर रहे होते, सब्जी समेट रहे होते, कितनी सारी सब्जी जो फ्रिज में भी नहीं मार रहे होते। शुभ बोलती, जान प्लीज़ समझो ना, प्लीज़ चलो चलो चलो। यहाँ तो मैम तो फुल ऑन, मतलब कि आज तो भाई होने वाला है, आज तो महायुद्ध तुमने स्टार्ट किया, अब ख़त्म हम करेंगे, इस टाइप का था। यहाँ शुभ बहुत हाथ पैर जोड़ रहे होते, मैम चल जाती वॉशरूम में। शुभ बाहर से चिल्ला रही थी, बाबू प्लीज़ मेरा जान, मेरा सोना, मेरा मोना, प्लीज़ 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 माफ़ कर दो, माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। या लेकिन किसने क्या सुनना था, या मैम बेचारी शावर में ले रही होती अपने आप को गुस्सा कंट्रोल करने के लिए। या शुभ बोलती, जान प्लीज़ मेरी जान, मेरी बाबू, मेरी सोनी, प्लीज़ 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 माफ़ कर दो, बच्ची है वो, छोटी बच्ची, मेरा ऐसा कुछ नहीं था यार, मतलब समझा करो। सो गाइस हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, पता नहीं मैम उसको चप्पल चप्पल फेंक के मारेंगे या फिर सब्जी फेंक के मारेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। आपको वीडियो नहीं मिल रही, मैं क्या करूँ यार, नेट बंद है सारे जहाँ का, मैं क्या करूँ, गवर्नमेंट को जाके चिल्लाऊँ मैं अभी, भाई नेट क्यों बंद कर दिया आपने। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, जब नेट आ जाएगा तो आपको वीडियो मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, टेक केयर।